महिला दिवस के इस पवित्र मौके पर देश के रहने वाली और विश्व में रहने वाली सभी महिलाओं को महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना तो सरकार निश्चित रूप से कर ही रही है। उनके लिए चाहे राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण की बात हो, महिला सशक्तिकरण की आम दिनचर्या में बात हो, महिलाओं का सम्मान की बात हो, महिलाओं को हर क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करने की बात हो, भारत सरकार और प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कटिबद्ध और तत्परता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन इस कार्य के लिए कर रही है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के कार्य पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्य के लिए बहुत ही भूरभूर प्रशंसा करते हुए महिला सशक्तिकरण के इस अद्भुत अलौकिक और अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए पूरे देश की महिलाओं को आज पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर लंबे समय तक उलझा रहा, कुछ परिवारों के अपने नियम, अपने कायदा, एक अनुच्छेद 370 का और 35A का दुरुपयोग करते हुए लोगों ने पूरा का पूरा पॉलिटिकली कैप्चर करने का काम किया, जिससे आम जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे वो विकास की किरणों से दूर रह पाए, निश्चित रूप से उनका अपेक्षित विकास नहीं हो पाया और हमारे पूरे हिंदुस्तान के अन्य प्रांतों से भी कहीं ना कहीं वो प्रांत दौड़ में, विकास की दौड़ में पीछे छूटता रहा। 370 धारा 370 और 35 से हटने के बाद आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से वहाँ के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय एकता अखंडता के इस मेल मिलाप में मिलने के लिए और वहाँ का वातावरण जो बदला है उससे एक विश्वास की भावना पैदा हुई है कश्मीरियों में भी और कश्मीर के प्रति पूरी दुनिया का दृष्टिपटल बदला है। और उसी का परिणाम है कि जहाँ पहले रोज दंगे होते थे, गोलियाँ चलती थी, उसके भय के वजह से और भय के वातावरण से देश और दुनिया का कोई भी पर्यटक उधर जाना पसंद नहीं करता था, आज परिस्थितियाँ बदली हैं, देश और दुनिया के पर्यटक जम्मू और कश्मीर की ओर आकर्षित हुए हैं। और जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, कश्मीर की वादियाँ, वैसे भी भारत का मुकुट कश्मीर कहा जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए एक अद्भुत स्थल कहा जा सकता है, इसलिए दुनिया की नज़रें आज वहाँ के पर्यटन की ओर बढ़ी हैं और पर्यटन की दृष्टि से उसने एक उल्लेखनीय 370 हटने के बाद एक प्रगति हुई है जिससे कश्मीर की लोगों की आय में वृद्धि हुई है, कश्मीर के विकास में 4 चांद लगे हैं और वहाँ का एक पूरी तरह वातावरण बदलने का काम हुआ है। इसके लिए पुनः माननीय मोदी जी को बधाई कि जिनके प्रयास से 370 35 से हटा और आज कश्मीर नए रास्ते पर नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। आई कर रही है उनकी सरकार से देंगे नौकरियाँ लोग, देखिए विश्वसनीयता का सवाल है। आज मोदी जी पर पूरी देश की जनता विश्वास कर रही है, साख है मोदी जी की, गारंटी को स्वीकारता मिली है, उनको लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने हमें वादा किया है उसको निभाया है और जो वादा कर रहे हैं उसको निभाने का काम होगा। इसलिए देश की जनता का विश्वास मोदी जी की गारंटी पर बढ़ा है, मोदी जी के ऊपर बढ़ा है और उसी विश्वास का प्रतिफल होगा कि 2024 में एक तरफा देश की जनता का रुझान, देश की जनता का आशीर्वाद, देश की जनता का समर्थन मोदी जी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की कमान, देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में देश की जनता देने जा रही है। सर, पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित है? देखिए, एक चीज साफ है कि जिस तरीके से एक राजनीतिक प्रश्रय पाए हुए व्यक्ति ने लंबे समय से वहाँ गुंडई, अराजकता, दबंगई और अत्याचार करने का काम किया, वो कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन के प्रश्रय में हुआ है, ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। और ख़ास रूप से महिलाओं पर जो जुल्म, जाति और अत्याचार लंबे समय तक होते रहे, तो आखिर स्टेट की सरकार कहाँ सोई हुई थी जिसने इतने लंबे समय तक ये सब होते हुए देखा और कोई उस व्यक्ति के खिलाफ जो दबंगई, गुंडई और अराजकता करता रहा उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसको आज पूरा देश देख रहा है। ये बंगाल की सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं से प्रश्न लगता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे सर, और वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन भी तेजी से अपना जो जनसभा रैली है वो कर रही है, लोगों की भीड़ देखी जा रही है, उसमें उसको लेके क्या कुछ?
नहीं, विपक्ष का सम्मान है, विपक्ष रहना ही चाहिए, लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था है, और इस प्रजातंत्र में सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का, अपनी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में तैयारी करने का, उसमें सम्मिलित होने का, जनता का समर्थन मांगने का हक है, मांगना चाहिए। लेकिन इस समय कोई स्कोप नहीं है। तीसरी बार आदरणीय मोदी के कार्यकाल के 10 साल के इस कार्यकाल में जिस तरीके से लोकहित के कार्य हों, विकास के कार्य हों, राष्ट्रीय सम्मान की बात हो, विश्व में भारत की बढ़ती हुई धमक की बात हो, तेज गति से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो, सामरिक रूप से उभरता चमकता दमकता भारत हो, हमारी सनातन संस्कृति परंपराओं को एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में, पूरे देश में एकांत सम्मान के साथ जीने का हक, और भारतीय परंपराओं का, जो सनातन संस्कृति और विरासत का सम्मान हुआ है, उसका परिणाम न सिर्फ देश में बल्कि आबू धाबी की धरती पर भी एक मंदिर उस सनातनी परंपराओं का अध्याय वहाँ भी शुरू हुआ है, जहाँ इस्लामिक राष्ट्रों में जहाँ कोई सनातन संस्कृति को सुनना नहीं चाहता था, ये आदरणीय मोदी के कार्यकाल में हुआ है, इसको पूरे देश देख रहा है, अभिभूत है, और तीसरी बार आदरणीय मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देना चाहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।